गाइस, ये वैसे तो बकरी के पाँव है, लेकिन इसे कुमाऊँनी भाषा में गड़वे कहते हैं। तो गाइस, हमारे गर्मा गर्म बकरी के पाँव तैयार है। यहाँ सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं गया था मार्केट, तो वहां पर मुझे दिखे बकरी के पाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तो आप सब जानते होंगे बकरी के पाए हैं, और इसको हम अपनी लैंग्वेज में गड़वे बोलते हैं गाइस। तो ये सर्दियों में खाने चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि किसी को हल्की सर्दी है या फिर खांसी है, इसका सूप पिए तो खांसी और सर्दी निकल जाती है। ये सुनने हमने पहले भी इसको बहुत यूज किया है। तो गैस, आज इसको बनाऊंगा, अपनी शॉप पे ही बनाऊंगा, और मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। और गैस, एक चीज़ और, मैं इसको बनाऊंगा आग पर ही, चूल्हे पर ही बनाऊंगा, क्योंकि चूल्हे में बनाने के बाद इसका जो टेस्ट आता है वो अलग ही रहता है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा पकाऊंगा ताकि इसकी जो मांस है वो हड्डियाँ छोड़ दें। तो उसके बाद इसका जो हम सूप पियेंगे तो बहुत अल्टीमेट बनता है गाइस। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो मिलते हैं। तो गाइस, ये है सरसों का तेल। तो मैं इसको क्या करूँगा, कुकर पे एक लेयर पुलिस की लगा दूंगा। तो गाइस, जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं चूल्हे में बना रहा हूँ खाना। तो चूल्हे में क्या होता है कि इसकी जो लकड़ी की आँच होती है, इससे बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो गाइस, इसके मैं कवर करूँगा, इसके लेयर करूँगा, ये राख है, इससे मैं इसको पूरा एक बार, पहले मैंने सरसों का तेल लगाया है, उसके बाद से मैं इसमें लगाऊंगा राख, राख को गीला करके, ताकि ये इसको दोबारा धोएं तो काला ना पड़े। तो गाइस, सबसे पहले मैं काट लूंगा प्याज। प्याज कट चुका है। तो गाइस, अब हम काटेंगे यहाँ पर टमाटर। तो गाइस, ये है लहसुन। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक गांठ लहसुन की। दो गांठ और यही तीसरी गांठ, इसको मैं डालूंगा साबुत पूरी। तो लास्ट में सूप के साथ जब इसको हम खाएंगे तो इसका स्वाद ही बहुत गजब होता है। तो अब मैं ये लहसुन को करूँगा मैं कद्दूकस करके, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगा।
हम यहाँ खरूरे बना रहे हैं और सर्दियों में ये खाते हैं, तो आप भी खाइएगा, सेहत के लिए अच्छे होते ये। यहाँ अभी प्याज डाल रहे हैं और टमाटर। तो गाइस अब हम डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पूरा पका लेंगे। तो गाइस प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, ये लाल मिर्च, ये रहा काली मिर्च पाउडर, ये रहा धनिया, और ये रहा हमारा मटन मसाला। मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। गाइस ये वैसे तो बकरी के पाव हैं, लेकिन इसे कुमाऊँ भाषा में गड़ुए कहते हैं। तो गाइस हम इसे बना रहे हैं आपके, जिससे वो स्वाद बहुत आता है। सो गाइस मसाले भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बकरी के पाए, और गाइस मसालों की जो खुशबू आ रही है वो आपको मैं बता नहीं सकता। कभी आइए मेरे पास और मैं आपको खिलाता हूँ चूल्हे का मटन। और ये हम वाटर डाल देंगे और पानी हम इतना डालेंगे कि हम इसका ज़्यादा सूप पियेंगे, तो पानी क्वांटिटी इसमें बढ़ाएंगे। तो ये पकाना ज़्यादा पड़ेगा, तो इसमें कुछ पानी सूख जाएगा, तो पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल लूँ। और मैं इसको तब तक पकाऊंगा जब तक ये मांस हड्डी ना छोड़ दे। तो ये रेडी है हमारा, अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन। बस अब इसको हम 1 से 1.5 घंटा धीमी आंच पे पकने देंगे, ताकि पूरी तरह से अच्छे से पक जाए, सूप गाढ़ा हो जाए। तो फिर इस बार हम इसको टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा गाइस का टेस्ट कैसा था। गाइस चूल्हे में पक रहा है हमारा पहाड़ी बकरे का पाया, और मुझे भी खांसी हो रही है, हल्की खराश हो रही है, तो मैं इसका सूप पीऊँगा और मस्त करके अपनी खांसी दूर करूँगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।